गुड मॉर्निंग गाइस। फ़िलहाल सुबह के करीबन 7 बज चुके हैं। बहुत लेट सो के उठा हूँ मैं। काफ़ी ठीक ठाक नींद आई। टेबल फ़ैन था, कोई एसी नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। एक अच्छी खासी नींद आई है। फ़िलहाल पहला काम, मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश करता हूँ। ब्लैक कॉफ़ी है, बिना शुगर के। इसको फिनिश करता हूँ, फिर आपको छोड़ देता हूँ। ये हमारा खुद का छोटा सा ट्री हाउस है, हैंग आउट वगैरह करने के लिए। ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं, कुछ ब्यूटीफुल ट्रीज़, ये माउंटेन्स हैं, और कुछ ऐसे कॉटेजेस हैं। यहाँ पे कुल 4 कॉटेजेस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। दैट्स माइन। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है बाहर से देखने में। ये शायद कभी कोई नदी रही होगी। फिलहाल ड्रोर को आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, और अंदर आने के बाद बेड रात को दिखाया था। ऐसा लग रहा है किसी जंगल में आ गया हूँ। ये लाइट है और ये रोड है। एक तो कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है, बट और कुछ दिख भी नहीं रहा वैसे भी। यहाँ पे रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो यहाँ चलते हैं। कुछ ऐसा एरिया है, ये वैसे मेन्यू कार्ड है। आधी चीज़ें इंग्लिश में लिखी है और आधी ने खुद के लैंग्वेज में लिखी है फॉर सम रीज़न। या तो हो सकता है कि हर चीज़ को दो बार लिखा गया है, ये भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट ये कुछ ऑप्शंस हैं। इसका मैंने ऑर्डर दे दिया है। ये चिकन विद राइस के साथ है। ये वंस अगेन सॉरी अबाउट द बैड लाइटिंग। फ़िलहाल इंतज़ार करते हैं फूड का और फिर देखते हैं कैसा स्वाद है। और ये लेडी है, शी इज़ वेरी ओल्ड, और यही बना रही है सारा खाना। सुखाना आ गया हमारा। यहाँ पे जब ये राइस के साथ कुछ भी चिकन वगैरह लेते हो, उसमें ग्रेवी देने का कोई रूल नहीं है। तो कुछ ऐसा आता है, इसमें कोई ग्रेवी नहीं है, आपको सूखा ही खाना पड़ेगा। और यहाँ लोग बड़े आराम से खा लेते हैं। ये है हमारा रूम, मिरर लगे हैं चारों तरफ। बात करें अमेनिटीज़ की, तो सबसे पहले आपके पास है एक फ्रिज जो कि ऑफकोर्स चलता है। ये ऑफ़ कोर्स पानी गर्म करने के लिए, सो यू कैन मेक योर कॉफ़ी। ये आपके सोप हैं, ऑफ़ कोर्स नहाना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ग्लासेस हैं, टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर। दैट्स योर ओन बालकनी। आई बेट यहाँ पे शाम को या सुबह में एक अच्छा खासा व्यू देखने को मिलता है। फिलहाल धूप की वजह से कुछ खास दिख नहीं रहा है, बट कुछ ऐसा है यहाँ से। सो बस यही था। अच्छी बात, कोई मॉस्किटोज नहीं थे रात को, और मॉस्किटो नेट था। सो अगर मॉस्किटो होंगे भी, सो आप इस नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा काम वाम करता हूँ, थोड़ी एडिटिंग फिनिश करता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं। और हाँ, सुबह ज़रूर चलेंगे कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने यहाँ से निकलने के पहले। नॉट फॉरगेट एवरीथिंग। या आप टेक इन एवरीथिंग। ओके। सो चाबी दे दिए होस्ट को, चलते हैं एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर करते हैं अपनी ट्रेन जर्नी शुरू। बस ये है नाम इनका। सो अगर आप चाहो तो इन नंबरों पे कॉल करके आप बुक कर सकते हो। बस ये घर है छोटा सा, जहाँ पे ओनर या फिर होस्ट रहते हैं। ये उनकी धर्म पत्नी या फिर बेटी है शायद। ये रिसेप्शन, ये इनका हमेशा घर है। जैसे ही क्रॉस होता भौंकना शुरू। सबसे अमेजिंग बात, यहाँ पे एक ट्रेन ट्रैक है। क्या ही ब्यूटीफुल ट्रेन ट्रैक है यहाँ पे। वैसे आ चुका हमारा ब्रेकफास्ट, लुक्स डिलिशियस इजंट इट। वो काफ़ी डिलिशियस है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं नूडल्स मांगे थे। क्या है ये। फिलहाल मैं हूँ नामतोक रेलवे स्टेशन पे, और ये काफी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। वैसे ये जो रेल लाइन है, इसको डेथ रेलवे भी कहते हैं। ये है थाईलैंड के अंदर। फिलहाल ट्रेन मेरे लेफ्ट हैंड साइड में खड़ी है, जो मैं बोर्ड करने वाला हूँ। वैसे आधी ट्रेन प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी है। फिलहाल कुछ इस प्रकार की ट्रेन और गेट है। so
ये ट्रेन लेने का सबसे बेस्ट पार्ट है, जो व्यू आपको देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है। इतिहास या हिस्ट्री काफ़ी लंबी है इस ट्रेन लाइन की और इस ट्रेन की, करीबन वॉर के टाइम में बनाई गई थी। अभी ये ट्रेन लाइन सिर्फ नामतोक तक ही एग्जिस्ट करती है, इसके बाद की ट्रेन लाइन को तोड़ दिया गया है। जो नामतोक से लेके कच्चीबुरी तक का जो रेल रूट है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन रूट मुझे लगता है। खाने के आइटम्स है जो ये आंटी लेके आई है यहाँ पे। What is this? मीट? No meat. I don't know fresh है कि नहीं है। Is it fresh? Okay. इतने लोग चढ़ने वाले हैं फिलहाल ट्रेन के अंदर, पीछे भी और आगे भी, और इसका रीज़न यही है कि यहाँ के बाद एक बहुत ही बढ़िया सा कर्व आता है और उस कर्व के बाद एक पूरी क्लिफ दिखती है, मतलब पूरी खाई दिखती है। अधिकतर तो लोग यहाँ मुझे चाइना से लग रहे हैं फिलहाल, और ये कुछ आखिरी पैसेंजर्स, इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ये ब्रिज वैसे काफ़ी लंबा है, यहाँ से स्ट्रेट जाके अंदर जाके फिर ऊपर टर्न होकर बाहर आएगा। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी डेंजरस। अब जो नज़ारे हैं वो काफ़ी नॉर्मल से हैं, बस पहाड़ है और थोड़ा लैंडस्केप है। जो काफ़ी ज़्यादा लोग इस ट्रेन में बैठे हुए हैं वो जा रहे हैं कच्चीबुरी तक, क्योंकि उसके जस्ट पहले एक रिवर आती है, बहुत ही सुंदर और फेमस रिवर। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग वहाँ पे उतर जाएंगे, लेकिन वो रिवर बहुत सुंदर है। उस रिवर के बाद शायद मैं भी कुछ रिकॉर्ड ना करूँ, बट उस रिवर का इंतज़ार कर रहे हैं। पहुंच गए अपने स्टेशन पे, यही था व्लॉग। फिलहाल मैं इस ट्रेन के अंदर ही हूँ बिकॉज मुझे जाना है बैंकॉक तक, लेकिन ये वीडियो रखते हैं यहीं तक। और ये है लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन जो चलती है यहाँ पे। कल मैं भी ऐसी ट्रेन में बैठने वाला हूँ जब मैं चेंगमाई जाऊँगा।